नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का RSOA पर। एक प्रश्न जो है 2018 के प्रीलिम्स में बना था कि नदियों के आधार पर हिमालय का किस प्रकार विभाजन किया गया है, एक प्रश्न जो है आप लोगों ने देखा भी होगा। चलिए इस चीज को हम लोग क्लियर करते हैं कि हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन है वो किसके आधार पर करते हैं, नदियों के आधार पर करते हैं, और ये विभाजन सिडनी बोराड ने किया था। नदी आप लोग को याद रखनी है सिंधु, सतलज, काली, तिस्ता और दिहांग है। सिंधु और सतलज के बीच में जो हिमालय है उसको हम लोग पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय भी हम लोग कहते हैं, जिसकी लंबाई है 560 किलोमीटर। यहां पर ये जो आप लोग देख रहे हैं येलो कलर के अंदर, ये है नंगा पर्वत। फिर सतलज और काली के बीच में जो है ये है कुमाऊं हिमालय, इसकी लंबाई है 320 किलोमीटर। काली और तिस्ता के बीच में जो हिमालय है वो है नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर। तिस्ता और दिहांग के बीच में जो है वो है असम हिमालय 750 किलोमीटर। यह है माउंट एवरेस्ट, यह है कंचनजंगा, यह कौन सा नामचा बरवा। ठीक है, अब आपको पश्चिम से पूर्व का क्रम भी याद रखना है हिमालयों का, जैसे कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। ठीक है, नदियों का क्रम भी याद रखना है, लंबाई के हिसाब से भी क्रम आप लोग को याद रखना है। नेपाल हिमालय जो है उसकी सर्वाधिक लंबाई है, फिर असम हिमालय है, कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय और फिर कुमाऊं हिमालय। ये लंबाई का क्रम जो है वो भी आप लोग को याद रखना है। ऑलरेडी प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन बन चुका है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से करके जाइएगा। हो सकता है कि इस बार वो ये पूछ ले कि ये जो असम हिमालय है वो किन दो नदियों के बीच में बनता है, या फिर ये पूछ ले कि कुमाऊं हिमालय जो है वो किन नदियों के बीच में स्थित है, सतलज और काली के बीच में। इस प्रश्न के लिए आप लोग जरूर तैयार रहिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।